विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति की संरचना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति क्या होती है, इसकी खोज कैसे हुई और जो अलग अलग जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति है वो कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी होती है और कौन कौन सी पादप संरचनाएं होती है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इसे पढ़ने से पहले हम एक इसकी उत्पत्ति को देखते हैं कि अगर कोशिका भित्ति बनती कैसी है। तो मान लीजिए कि ये कोशिका है और कोशिका है वो एक रुडोल्फ ने सिद्धांत दिया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, यानी उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने कहा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो एक कोशिका मान लेते हैं, इस कोशिका में विभाजन होना है। ये कोशिका जब विभाजित होती है तो सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर कोशिका दो भागों में बट जाती है। तो मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें केंद्र का विभाजन हो गया और केंद्र दो भागों में बढ़ चुका है। समसूत्र विभाजन होगा तो गुणसूत्र समान रह जाएंगे और सूत्र विभाजन होगा तो गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। अब इसके बाद में होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो हमने कहा था कि पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन, जब हमने अंतर पढ़ा था कि पादपों में कोशिका द्रव्य जो विभाजन है वो सेल प्लेट या जिसको हमने कहा था कोशिका पट्टिका विधि से होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न की जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीज़न है कि उसकी अंतिम अवस्था होती है टेलोफेज अंत्यावस्था, जिसको टेलोफेज कहते हैं। इस टेलोफेज में क्या होता है कि जो इस सेल के जो गोलजिकाई की जो पुटिकाएं हैं वो आकर एक बीचों इसके कोशिका के बीच में इकट्ठी होने लगती है। कुछ अंतःप्रदेवी जालिका की जो सिस्टनी वगैरह है या वेसिकला वो इकट्ठी होने लगती है। कुछ सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो आकर बीच में इकट्ठी होने लगती है और ये संरचनाएं हैं वो आपस में जुड़ती परिधि की तरफ एक पट्टिका का निर्माण करते हुए चलती है, जिसको हम कहेंगे अपकेंद्रीय, यानी केंद्र से परिधि की तरफ ये संरचनाएं हैं वो जुड़ती एक पट्टिका का निर्माण कर लेगी। इस पट्टिका को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अभी इसको क्या कहेंगे? फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे अभी इसको। अब इस फ्रेगमोप्लास्ट पे क्या हुआ, ये फ्रेगमोप्लास्ट बन गई मान लीजिए। इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर दोनों कोशिकाओं को जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं, कुछ पेक्टिन भी बनता है। तो उस कैल्शियम और पेक्टिन इसके ऊपर आके जम जाता है। तो जब इस पर कैल्शियम और पेक्टिन का जमाव हो जाता है तो हम इसको कहते हैं मध्य पटलिका। मतलब जब फ्रेगमोप्लास्ट पर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जम जाते हैं तो उसे हम कह देंगे मध्य पटलिका। तो अब यहाँ से अपन चालू करते हैं। देखो, ये मान लीजिए मध्य पटलिका बन गई है। इस मध्य पटलिका के फिर के अंदर की तरफ जो सेलुलोज होते हैं, मिसोलोज होते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो पेक्टिन के एक जेली जैसे पदार्थ के अंदर इस तरह से पड़े हुए रहते हैं। तो एक परत का निर्माण होता है इसके अंदर की तरफ, जिसको अपन कहेंगे प्राथमिक भित्ति। इस प्राथमिक भित्ति ये फैल सकती है, वृद्धि कर सकती है। जब इसमें फैलने की या वृद्धि की क्षमता खत्म हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के स्रावी और उससे पदार्थ इसके ऊपर जमने लगते हैं, तो वो फिर बन जाती है द्वितीयक भित्ति। ये कौन सी बन गई? द्वितीयक भित्ति। ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ जैसे मोम है या रेजिन है या टेनिन है या बहुत सारे सुबेरिन है, लिग्निन है, इनके जमाव से द्वितीयक भित्ति बन गई। तो मध्य पटलिका के दोनों तरफ बन गई, अंदर की तरफ प्राथमिक भित्ति और प्राथमिक भित्ति के फिर अंदर की तरफ बन गई द्वितीयक भित्ति। कुछ जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं उनमें एक तृतीय भित्ति और भी पाई जाती है जो केवल अनावृतबीजी पौधों में देखी गई है।
तो इस प्रकार ये एक इस कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। तो हम इसकी जब संरचना पढ़ते हैं तो इसकी संरचना में मुख्यतः इसके चार परतें पढ़ते हैं, चार परत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मध्य पटली का जिसको अपन कहते हैं मिडिले लेमिला, मिडिले मिला। दूसरी इसकी परत होती है मिडिले मिला के अंदर की तरफ, यानी ये आप ये मान लो कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये सब कोशिका झिल्ली और मिडिले मिला के बीच में बनी है, प्राथमिक और द्वितीयक झिल्लियाँ। ये जो प्राथमिक भित्ति बनी जिसको हम प्राइमरी वाल भी कहते हैं, ये बनी। फिर इसके अंदर बनी द्वितीयक भित्ति जो प्राथमिक भित्ति के ऊपर जो स्रावी और उससे जो पदार्थ है उनके जमने से बनी है, तो ये द्वितीय भित्ति बन गई, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वाल। और कुछ पौधों जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर तृतीयक भित्ति भी पाई जाती है जिसको टर्शरी वाल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मुख्यतः चार परतें पाई जाती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, देखिए कि सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले बनती है हमारी मिडल्ले मिला, ये मिडल्ले मिला बन गई, और इसको सीमेंटिंग या सीमेंट लेयर भी बोलते हैं इसको, ये मिडल्ले मिला बन गई। इस मिडल्ले मिला के दोनों तरफ दोनों कोशिकाओं, इसको एक कोशिका मान लेते हैं, इधर को बी मान लेते हैं, तो इसके दोनों तरफ देखो ये सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई, ये दोनों तरफ ये बन गई प्राथमिक भित्ति। ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक भित्ति बन गई। तो ये तो बन गई मिडिल लेमिला और ये बन गई प्राथमिक भित्ति। और प्राथमिक भित्ति के फिर इसके बाहर की तरफ कुछ पदार्थों का जमाव होता जाएगा, इन पदार्थों के जमाव होने से बन जाती है द्वितीयक भित्ति। ये द्वितीयक भित्ति बन गई, ये द्वितीयक भित्ति बन चुकी है इसके जमाव होने से, जो कि मजबूत होती है, दृढ़ होती है, अप्रत्यास्थ होती है। प्राथमिक भित्ति में तो तंतु होते हैं, इस कारण प्राथमिक भित्ति तो लचीली होती है, और इस जब द्वितीयक भित्ति बन जाती है तो ये द्वितीयक भित्ति काफ़ी मजबूत और मोटी भी होती है। तो इस तरह से ये बन गई द्वितीयक भित्ति, और इधर भी बन गई द्वितीयक भित्ति। यानी आप कहें तो बीच में मिडिल लेमेला है, मिडिल लेमेला के दोनों तरफ बनी प्राइमरी, और प्राइमरी के फिर अंदर की तरफ बनी सेकेंडरी। तो इस तरह से हमारी कोशिका भित्ति का निर्माण मिडिल लेमेला के दोनों तरफ प्राथमिक और द्वितीय भित्तियों का निर्माण किया जाता है। ये जो द्वितीयक भित्ति है ना, इस द्वितीयक भित्ति को भी अपन अगर गौर से देखेंगे तो इसके भी दो परतें होती है। एक तो इसको हम सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी वाल कहेंगे, तो इसके भी दो परतें, तीन परतें होती है, इसको हम कहेंगे S1, S2 और S3, सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड और सेकेंडरी थर्ड। जो सबसे ज़्यादा मोटी होती है वो बीच वाली होती है, S2 सबसे ज़्यादा इसके अंदर मोटी पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा मोटी होती है वो S2 होता है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं इनको एक एक संरचना के बारे में, अगर तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं हमारी मिडिल लेमिला, या फर्स्ट पढ़ते हैं अपन मध्य पटली का, जिसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। देखिए ये दो आसन सेल्स के बीच बनने वाली प्रथम भित्ति है। दो आसन कोशिकाएं, जैसे दो कोशिकाएं जुड़ी हुई, दो कोशिकाएं हैं, तो सबसे पहले जो बनेगी वो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय जो सबसे पहले भित्ति बनेगी वो मिडिल लेमिला ही बनती है। यह सेल वॉल की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाह्य परत है, सबसे बाहरी परत है, जो दो सेल्स जो कि आपस में संलग्न रहती है, जुड़ी हुई रहती है, के दो सेल्स जो संलग्न सेल है उनके बीच
सीमेंट की तरह कार्य करती है, सीमेंट की तरह कार्य करती है, इस कारण इसे क्या कहेंगे, ये एक तो इसको कहेंगे सीमेंट, सीमेंट लेयर, सीमेंट लेयर कह देंगे इसको, क्योंकि जुड़े हुए रखती है ना दो आसन कोशिकाओं को, या इसको दो कोशिकाओं को ये कनेक्ट करती है, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लेयर भी कहते हैं, या दो कोशिकाओं को ये बाइंड करती है या जुड़े हुए रखती है, तो इस कारण इसको बाइंडिंग लेयर भी कहते हैं। तो दो कोशिकाओं को देखिए ये जोड़े हुए रख रही है, तो ये बाइंडिंग लेयर या सीमेंट लेयर या कनेक्टिंग लेयर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि अगर इन दोनों कोशिकाओं को अपन अलग अलग कर दें, तो दोनों कोशिकाएं अलग अलग तब होती है जब ये दोनों सेल पृथक कब होगी, कि जब इनकी जो मध्य पटलिका है वो नष्ट हो जाएगी या जिसको या घुल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये कह देंगे कि एक पृथक सेल की सबसे भारी परत, सबसे भारी परत वो कौन होगी। तो अगर दो सेल जुड़ी हुई है तब तो भारी परत हम कह देंगे कि ये मध्य पटलिका होती है, लेकिन अगर दो कोशिकाएं अलग अलग हो गई, पृथक पृथक हो गई, तो मिड ले मिला तो नष्ट हो गई, तब सबसे भारी परत कौन होगी, प्राथमिक भित्ति। तो प्राथमिक भित्ति होगी, क्यों होगी, क्योंकि मिड ले मिला है वो नष्ट हो चुकी है या घुल चुकी है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये मिड ले मिला किसकी बनी होती है आखिर, तो इसमें यह कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और मुख्यतः कौन सा होता है इसके अंदर, कैल्शियम पेक्टेट ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की ये बनी हुई होती है। इसलिए जो ये पेक्टेट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट है, इन पेक्टेट को, इन पेक्टेट पदार्थ को अंतर कोशिक पदार्थ भी कहते हैं, अंतर कोशिक पदार्थ भी कहते हैं। अगर हम अंतर कोशिका मतलब ये दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच में जब कैल्शियम पेक्टेट जमता है तभी मध्य पटलिका बनती है, अगर ये घुल गया तो दोनों कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हो जाती है। अगर यहाँ पर हम एक एंजाइम होता है पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंजाइम इन कोशिकाओं पर डाल दें, तो ये जो मध्य पटलिका है ये नष्ट हो जाती है या घुल जाती है, क्योंकि पेक्टिनेज एंजाइम पेक्टेट को ख़त्म कर देगा और ये घुल जाएगी या नष्ट हो जाएगी, दोनों कोशिकाएं हैं वो अलग हो जाती है। देखो तो फलों के पकने के समय क्या होता है, फलों के पकने के समय मध्य पटलिका है वो घुल जाती है, और मध्य पटलिका घुल जाएगी तो फल क्या हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, पिलपिले हो जाते हैं। तो मध्य पटलिका के घुलने से, फलों के पकते समय ये घुल जाएगी और फल कोमल हो जाते हैं। अगर अपन कुछ प्रबल अम्ल ले लें, स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं उनके द्वारा भी इस परत को घोला जा सकता है, घोला जा सकता है, ये कुछ प्रबल अम्ल भी इस परत को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कुछ लवण बना लेंगे। ये जो पेक्टिन पदार्थ है, ये जो पेक्टिन पदार्थ है ये होता क्या है, तो ये पेक्टिन पदार्थ है एक विषम बहुलक है जो बहुत सारे पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड जब मिलते हैं तो एक बहुलक बनता है, और बहुत सारे पॉलीसेकेराइड हो गए तो विषम हो गया। और इसको प्राकृतिक रूप से जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल उनसे निकाला जाता है, और ये एक ब्राउन कलर का पाउडर होता है जो कि जेली एजेंट की तरह काम करता है, जेली एजेंट की तरह ये कार्य करता है, इसे अंतर कोशिक पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये
दोनों कोशिकाओं के बीच में मध्य पटलिका बनाने में कार्य करता है। ये जो पेक्टिन है ना, ये जैसे लकड़ी में होता है, तो ये अंतः सूक्ष्म जो चूषण क्रिया है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ये तो पहले पढ़ते हैं प्राथमिक भित्ति, इसको हम कहेंगे प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल कहाँ बनी? ये मध्य पटलिका व कोशिका झिल्ली के बीच दोनों तरफ बनती है, दोनों तरफ बनती है। हमने पढ़ा था कि मिडल लेमिला इसके दोनों तरफ बन गई प्राइमरी और फिर दोनों तरफ बन गई सेकेंडरी। इस तरह से ये दोनों तरफ ही बनती है। ये परत है वो लचीली होती है, कोमल होती है, कोमल होती है, ये इसका एक बड़ा गुण है। इसका निर्माण देखिए किससे होता है? इसका निर्माण मुख्यतः सेल्यूलोज के फाइबर, हेमी सेल्यूलोज के फाइबर और पेक्टिन से मिलकर ये बनी होती है। मुख्य रूप से इसमें यही पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ मात्रा में इसके अंदर कुछ प्रोटीन भी हो सकते हैं, होते हैं, या लिपिड वसाएं भी पाई जाती है, कुछ पानी भी होता है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के जो तंतु होते हैं जिनको बोलते हैं फाइब्रिल्स, ये हेमी सेल्यूलोज व पेक्टिन के जेली समान, मैंने ऊपर कहा था कि जेली समान पदार्थ, मतलब जेली समान पदार्थ जिसको कहेंगे अपन मैट्रिक्स, उसमें डूबे हुए रहते हैं, डूबे रहते हैं। जैसे ये को जेली समान पदार्थ है तो इसके अंदर ये सेलुलोज के जो फाइबर्स है वो डूबे हुए रहते हैं। इस परत में जो ये सेलुलोज के फाइबर हैं, तो इसमें जो ये हेमी सेलुलोज क्या कार्य करता है? तो पेक्टिन तो जेली लाइक मैट्रिक्स बनाता है, जबकि जो ये हेमी सेलुलोज है वो जो सेलुलोज के फाइबर होते हैं, सेलुलोज के जो फाइब्रिल्स या तंतु होते हैं, उन तंतुओं को बांध कर रखता है। जैसे ये सेलुलोज के तंतु है, तो इन सेलुलोज के तंतुओं को इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होकर इन तंतुओं को मजबूती से बांधे हुए रखता है। तो सेलुलोज फाइबर्स को मजबूती से बांधे हुए रखने का काम हेमी सेलुलोज का होता है। और ये जो ये सारी तंतु है हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं, ये पेक्टिन के बने हुए जेली समान पदार्थ में डूबे हुए रहते हैं। तो ये सारी संरचना है वो बहुत लचीली और कोमल बन जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो प्राथमिक भित्ति है, इस प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की वह विस्तारण की क्षमता होती है, फैलने की क्षमता होती है। ये भी एक इसकी एक बड़ी विशेषता है। और ये पॉसिबल होता है इस पेक्टिन के कारण, कि पेक्टिन जेली समान पदार्थ है और इसके कारण से फाइबर है वो फैल सकते हैं, मतलब फैलती है। तो होता क्या है, ये वृद्धि और विस्तारण होता है, तो इससे क्या होगा कि सेल वृद्धि के लिए, ये सेल वृद्धि के लिए लचीलापन प्रदान करती है, ताकि कोशिका समुचित ग्रोथ कर सके। इस कारण से ये वृद्धि और इस विस्तारण की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। हमने कहा था कि एक पृथक कोशिका जो है,
पृथक सेल है, उसकी सबसे बाहरी परत है वो प्राथमिक भित्ति होती है, पृथक, और दो संलग्न कोशिकाओं की उसकी होगी मध्य पटलिका, लेकिन दो अलग अलग कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत प्राथमिक भित्ति होती है क्योंकि मध्य पटलिका नष्ट हो जाती है। इसमें अपने एक छिद्र पटल की कोशिका भित्ति में विशेष प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। इन गर्तों को हम कहते हैं, उसके अंदर जीवद्रव्य तंतु निकले रहते हैं। जैसे ये दो कोशिकाएं हैं, तो इन दोनों कोशिकाओं में आमने सामने गर्तें पाई जाती हैं। इन गर्तों से दोनों कोशिकाओं के जीवद्रव्य तंतु है वो आपस में संपर्क किए रहते हैं। तो इस संरचना को बोलते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा। तो जो प्लाज्मो डेस्मेटा होते हैं वो प्राथमिक भित्ति में ही पाए जाते हैं। प्लाज्मो डेस्मेटा, ये एक प्रश्न है कि प्लाज्मो डेस्मेटा में से प्राथमिक भित्ति के अंदर पाए जाते हैं, और इन सब संरचनाओं के कारण ये बहुत ही कोमल, लचीली और पारगम्य परत होती है। ये पारगम्य भी होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तीसरी, जिसको हम कहेंगे द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, ये कहाँ बनती है, ये प्राथमिक भित्ति बन गई, वह जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के बीच दोनों ओर बनती है, दोनों ओर बनती है यानी दोनों ओर बनेगी। ये कब होती है कि जब हमने कहा था प्राथमिक भित्ति में वृद्धि और विस्तरण की क्षमता होती है। जब प्राथमिक भित्ति में वृद्धि व विस्तारण की क्षमता समाप्त हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, कोशिका अपनी पूर्ण आकृति धारण कर लेती है और अब जरूरत नहीं है वृद्धि और विस्तारण की, तो क्या होता है, समाप्त हो जाती है तो जीवद्रव्य क्रिया द्वारा प्राथमिक भित्ति पर अनेक पदार्थों का जमाव या निक्षेपण, जिसको कहें, वो किया जाता है। जैसे ये पदार्थ होते हैं, जैसे ये लिग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटीन जम गया, कोई मोम जम गई, कोई एक उसजी पदार्थ जैसे टेनिन जम गया, सिलिका जम गई, इसके अलावा गोंद बन जम गया, या बहुत सारे जो खनिज पदार्थ, खनिज लवण होते हैं वो जम गए। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ इनके ऊपर, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, मोम, टेनिन, सिलिका, गोंद, खनिज लवण, ये क्या होते हैं, सब प्राथमिक भित्ति पर जमते जाते हैं। और इनका जमाव है या तो होता है कणों के रूप में, या ये स्तरों के रूप में जमते हैं। तो कणों के रूप में जमते हैं या ये स्तरों के रूप में जमते हैं। तो प्राथमिक भित्ति पर इन जमने से द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो गया, द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो गया। अब इनके जमने से देखिए ये बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत हो जाती है। तो ये जो प्राथमिक भित्ति के अंदर बनी, तो यह परत है वो मोटी और अप्रत्यास्थ होती है, यानी ये लचीली नहीं होती है, क्योंकि ये इनके विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जमाव से ये मोटी और मजबूत और अप्रत्यास्थ हो जाती है। तो इसका कार्य क्या रहेगा, मजबूती, या हम कहेंगे इसको कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, इसका प्रमुख कार्य हो गया। अगर अपन इस द्वितीयक भित्ति की बात करें तो सभी परतों में द्वितीयक भित्ति यानी कोशिका भित्ति की सभी परतों में द्वितीयक भित्ति सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है, जिसको हम जैसे ये एक द्वितीयक भित्ति को अपन कहें माने, तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, S1, S2 और S3। S1, S2 और S3।
तो इसमें जो सबसे बड़ा इसका भाग होता है वो S2, सबसे मोटा भाग। मतलब द्वितीयक भित्ति भी तीन भागों में बटी हुई है, S1, S2 व S3, इसके तीन भाग हैं द्वितीयक भित्ति के, S1, S2 और S3। ये जैसे S1 है, S1, ये S2 है और ये S3। तो इस तरह से द्वितीयक भित्ति के भी जो पदार्थों निक्षेपण होता है उस निक्षेपण से तीन भाग बन जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सबसे मोटा परत आपको बता दिया, द्वितीय भित्ति के भी तीन पार्ट होते हैं, S1, S2 और S3, और इसमें सबसे मोटा पार्ट कौन सा हो गया, S2, इसका सबसे मोटा पार्ट होता है। और थर्ड पढ़ते हैं, फोर्थ भित्ति, इसको लास्ट अपन कहते हैं, तृतीयक भित्ति, जिसको अपन कहेंगे टर्शरी वाल। ये टर्शरी वाल है, कभी कभी ये देखा गया है कि कभी कभी द्वितीयक भित्ति के अंदर, द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर, दर की ओर एक और पतली परत बन जाती है, पतली परत बन जाती है जिसे तृतीयक भित्ति कहते हैं, तृतीयक भित्ति कहते हैं। यह है कहाँ, किस कौन से पद में देखेगी, ये जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनिकाएं हैं, वाहिनिकाओं, इनको हम ट्रेकिड्स बोलते हैं, ट्रेकिड्स में देखी गई है या पाई जाती है। ये किसके बनी होती है, ये हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज वह एक जाइलोन, एक कार्बोहाइड्रेट है जाइलेन, उसकी बनी हुई की बनी होती है, जाइलेन या जिसको जाइलोन कहते हैं, की बनी होती है। ये पूरी तरह से जैसे जीव द्रव्य का सूखा स्तर को प्रदर्शित करती है, जीव द्रव्य के सूखे हुए स्तर को प्रदर्शित करती है, जो कि इस स्तर को प्रदर्शित करती है। तो हम अगर एक इसका चित्र बनाएं तो हमें इसके निम्न प्रकार बना सकते हैं कि सबसे अपन जैसे दो कोशिकाओं के भीतर बनाए तो ये सबसे मिडिल लेमेला हो गई, इसको अपन कह देते हैं ML, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला के दोनों तरफ ये बन गई, जिनके अंदर पेक्टिन हेमीसेलुलोज सेलुलोज पाया जाता है, ये बन गई हमारी प्राथमिक भित्ति, ये बन गई हमारी प्राथमिक भित्ति, ये प्राथमिक भित्ति बन गई, इसको कहेंगे प्राइमरी वाल, इसको कहेंगे प्राइमरी वाल। दोनों तरफ इसके अंदर फिर कई पदार्थ जमते जाते हैं, उन पदार्थों के जमाव से एक मोटी परत बनती है, इसको हम कहेंगे दोनों तरफ, इसको कहेंगे अपन द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति के भी तीन पार्ट होते हैं इसके, ये द्वितीयक भित्ति है पूरी, तो इसमें S1, S2 और S3, तो इन सबको हम कहते हैं द्वितीयक भित्ति, जिसके तीन पार्ट होते हैं, सबसे मोटा होता है S2 पार्ट। तो ये मध्य पटलिका, मध्य पटलिका के दोनों तरफ प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति सेलोज एमसेलो पेक्टिन की बनी हुई है, जब ये फैल वृद्धि और विस्तरण की क्षमता इसमें खत्म हो जाती है तो द्वितीयक भित्ति का निर्माण होने लगता है और हमारी पूरी कोशिका भित्ति वो बन जाती है। ये हमारे एक LS ओप सेल वाल है, अनुदैर्ध्य काट इसको हम कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एक TS काट काटें, इसका अनुप्रस्थ काट काटें, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सबसे बाहर की तरफ हम ये कहें कि सबसे बाहर की तरफ ये हमारी मिडिल लेमिला है, जिसको हम कहते हैं मध्य पटलिका है, जैसे ये सबसे बाहर की तरफ है मिडिल लेमिला। इस मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ ये जो परत बन रही है सेलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की, इसको हम कहेंगे प्राथमिक भित्ति, ये बन गई प्राथमिक भित्ति प्राइमरी वाल। और प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ जो बनी है
उसको हम कह देंगे द्वितीयक वित्ती, जैसे ये बन गई। तो इसके भी अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, तीन पार्ट हैं। हम जानते हैं कि इसके तीन भाग होते हैं, तो ये जो पोर्शन है इसको हम कह देंगे S1, ये S2 और ये S3। तो ये बन गई हमारी द्वितीयक वित्ती। तो S2 सबसे बड़ा पार्ट हो गया और ये अंदर की तरफ हो गया हमारी कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली और अंदर भरा हुआ है जीव द्रव्य। तो इस तरह से हमारी कोशिका झिल्ली के बाहर है, ये पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण हो चुका है। इसको हम कहेंगे TS ऑफ सेल वॉल। तो इस तरह से आज हमने पूरी कोशिका भित्ति की संरचना को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इस तरह में किस तरह के सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के तंतु है वो मैट्रिक्स के अंदर पड़े रहते हैं, तो संरचना को अपन पढ़ेंगे। अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।